बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खो गया वो संग था मेरे जो ढूंढूं कहां मैं उस प्यार को। खो गया वो संग था मेरे जो। अभी मैं बाहर से आ रहा था, तुमने पानी गिरा दिया मुझ पर। अंधी हो क्या? तुम्हें कपड़े सुखा रहे, तुम्हें किसने बोला था पानी के बीच में आने को? और वैसे भी तुम रोज रोज यहाँ पे मुंह उठा के क्यों आ जाते हो? ये मेरी नानों का घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। प्लीज तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे यहाँ कब आना है, तुम्हारा घर नहीं है ये। और मेरी भी नानों का घर है ये, और वो भी बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ हमारे घर के। तो एक्सक्यूज मी, बात सुनो मेरी, ये जो तुम रोज रोज यहाँ पे आ जाते हो ना, इससे इंसान अपनी कदर खो देता है। ये भी बात नहीं है रश्मिया, चुप इट पागल जाहिल। मानो मानो, देखे रश्मिया ने गीला कर दिया यार मुझे। हेलो, इन्हें उल्टा बुखार और बढ़ा लिया तुमने तो अपना। मानो ये सब आपकी हो ना लाडली रश्मिया, सब उसका किया था। अच्छा खासा गुजर रहा था, पानी डाल दिया मुझे। वैसे तो बड़ी समझदार बच्ची है वो, लेकिन तुमको क्यों इतना तंग करती है? अच्छा है, आएगी ना, कान खींचूंगी उसके अच्छी तरह। रहने देना, और इन खाला इतनी अच्छी है, पता नहीं किस पे चली गई। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, कजन है तुम्हारी, बचपना है उसकी तबीयत में, मगर है बहुत अच्छी बच्ची। ये मैं तुम्हें बता दूं, रश्मि अच्छी है। रहने देना, मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों उससे बार बार फ्रैंक होने की कोशिश करती है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब तक मैं आपके पास हूँ ना, वो ना आए प्लीज। अच्छा चलो, गुस्सा मत करो, आराम करो, तबीयत खराब है तुम्हारी। मम्मा, मामा मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही। क्या है, कभी खुद भी हिल लिया करो। आपको पता है मेरा टेस्ट है, और पढ़ते हुए मुझे बहुत भूख लगती है। आलू पड़े हैं, चिप्स खाने, खुद ही बना लो। मैं पढ़ूं या फिर चिप्स बनाऊं? पता है कितना पढ़ रही हो, और मुझे ये बताओ
ये तुमने क्या हरकत की? अयान बेचारे को पहले ही बुखार, उल्टा तुमने उसमें पानी गिरा दिया। हाँ, उसे बुखार था और नहीं तो क्या। वैसे मुझे ये बताओ, तुम ऊपर क्या करने गई थी? वो मामा, मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करवा दूं, तो कपड़े सुखाने चली गई थी। अच्छा, धुले हुए कपड़ों में तुम्हारा क्या काम था? छोड़े ना, क्या पूछे जा रही है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या वाकई उसको बुखार था? 102 बुखार था। उल्टा तुमने ये कारनामा दिखा दिया, उसी के लिए सूप बना रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको इतना बुखार है। वैसे एक बात बताएं मामा, जब भी उसकी तबीयत खराब होती है वो ऊपर नानी के पास क्या करने आता है? खाला इतना प्यार करती है उससे, फिर भी जब देखो यहाँ पे मुंह खा के आ जाता है। तो तुम्हें इससे क्या, वो जहाँ मर्जी जाए। अच्छा सुने, जब सूप तैयार हो जाएगा ना तो फिर मैं लेके जाऊंगी। साथ में सॉरी भी बोल देना। मैं क्यों बोलूं सॉरी, वो बोले सॉरी, पानी में क्यों आया मेरे बीच में? नानो, मामू को मेरा जरा भी ख्याल नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ है तुम्हारी वो, अब भला माँ से बढ़कर औलाद की फिक्र किसको होगी? हाँ, माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते बेटा, बुरी बात है। माँ, नूरिन खाला भी तो माँ है ना, कितना ख्याल करती है अपने बच्चों को। एक मेरी मामा जो बस, अपने अलावा और किसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फोन कर लो ना माँ को अपनी, परेशान हो रही होगी तुम्हारे लिए। नहीं नानो प्लीज, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मुझे बुखार। अरे मेरा बेटा, तुम तो कुछ ज्यादा ही मुतनफिर हो गए हो अमरीश। मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत शो ऑफ है वो, लेकिन बेटा माँ का दिल तो फिर माँ का दिल होता है ना, समझते हो ना तुम ये बात? अगर आप दोनों का प्यार खत्म हो गया तो मैं आ जाऊं? अरे आओ आओ बेटा, आओ अंदर आओ। लो आ गई मुसीबत। देख रही है नानू कितना ओवर हो रहा है, मैं बिल्कुल भी ना आती अगर मामा मुझे ना बोलती कि ये सूप तुम्हें दे आ। अरे बेटा बस कोई बात, चलो ये रख दो सूप, रख दो। ले आइए ना आप, प्लीज ऐसे कहेंगे ये वापस ले जाए। मुझे नहीं सुननी इसकी बकवास। जा रही हूँ मैं, मैंने सोचा था कि तुम्हारा हाल चाल पूछा, तुम्हें बुखार हो रहा है, मगर तुम तो हो ही बदतर। एक तो नानो पता नहीं मामा को इस पे क्यों प्यार आता है, हमें तो जब देखो डांटती मारती रहती। ये ले ये, और अपने लाडले को खुद ही सूट दे, मैं जा रही। अरे रश्मिया रुको, देखा तुम? अरे माँ जो कुछ भी करती रहे ना, औलाद को हमेशा शिकायत ही रहती है, सारे बच्चे एक से होते। प्लीज कम से कम नौरीन खाला मेरी मॉम की तरह तो नहीं है, अगर रश्मिया की मॉम मेरी मॉम की तरह होती ना पता चल जाता। अच्छा बस, अब मैं अमरीन को कॉल कर रही हूँ, उसे बता दूँ कि तुम मेरे पास हो। नहीं नानो प्लीज, वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही हैं, खामखा सब खराब हो जाए। डैड डैड देखे ना ये गोल कर देता है। डैड देखे ना मैं क्या करूं? सनी डिस्टर्ब नहीं करो ना मुझे, आप भी गेम खेलो। शाबाश। हाँ नहीं नहीं आपकी बात सही है, बट मुझे फिटिंग बिल्कुल ठीक चाहिए। हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज आई डोंट वांट दोस काइंड ऑफ स्टोन्स। नहीं, जो मिसेस लारेट के ड्रेस में लगे हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यू नो शी हैज अ जीरो फैशन सेंस। जी मैं ये नहीं चाहती कल को वो ये कहें कि मैंने उनका ड्रेस कॉपी कर लिया अपने वेडिंग एनिवर्सरी। ओके खबरदार जो ये किया, आई डोंट वांट इट। यस हाँ, मुझे वो दूसरे वाले जो स्टोन्स में देख कर गई थी मुझे वही चाहिए। ओके ओके बाय। क्या असाब है? अब तुम्हें क्या हो गया? अरे पता है वो जो हमारा ज्वेलर है ना, वो जो मैंने सेट देखा ना, कह रहे हैं वो अरेंज नहीं करके दे सकता। उस किस्म का ज्वेलर है हमारा। भाई इतनी सारी ज्वेलरी है तुम्हारे पास, कुछ भी पहन लेना। ओह कम ऑन, ऐसे कैसे कोई और सेट पहन लूं? अरे यही तो मौका है लोगों को अपना स्टेटस दिखाने का, अपना लाइफस्टाइल। लोग क्या कहेंगे, वही पुराना सेट पहन लिया। तुम लोगों के लिए अपना जीना क्यों मुश्किल कर रही हो? ओके मैं पार्टी कैंसिल कर देती हूँ, मना कर देती हूँ सबको।
एक तो तुम फौरन चिढ़ जाती हो, मूड ऑफ कर लेती हो खाम का। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, मैंने तो सिर्फ एक सरसरी सी बात की है। अच्छा ये बताओ कि बाकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी जा रही हैं। Everything will be perfect। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, अच्छी बात। You know, मैंने तो इनविटेशन कार्ड्स पे भी ड्रेस कोड फॉर्मल लिखवाया है। अच्छा है, लोगों को जरा पता तो चले। After all, it's our silver jubilee। अरे तो क्या तुम अपने बहनों ही को इनवाइट नहीं करोगी? आशिम, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। But you know, मैंने रश्मि और नौरीन के लिए तो कपड़े बनवा दिए हैं अपने डिजाइनर से। रश्मिया को तो बड़ा शौक है नित नए कपड़े पहनने का। अलबत्ता नौरीन, अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन है, बट उसको बिल्कुल भी कोई फैशन सेंस नहीं है। जकिया, अरे ये कुशन यहाँ क्यों अभी तक पड़ा हुआ है? हटाया नहीं तुमने अभी तक? जी अभी उठाते हैं। कब उठाओगी? अगर अभी नहीं उठा सकती है तो फिर दफा हो जाओ कहीं और काम करने के लिए। क्यों, ठीक किया ना मैंने? हाँ, आजकल नौकरों को टाइट ही रखना चाहिए। ओहो, मैं रश्मि और नौरीन के हवाले से बात कर रही हूँ। ओहो नौरीन, तुम एक वक्त में इतनी मल्टीटास्किंग कैसे कर लेती हो भाई? You know, I am Amreen, the Amreen. मैडम Amreen, आपको पता है कि दो दिन से आपका बेटा घर पे नजर नहीं आया, कहाँ है वो? अरे होगा अपने किसी दोस्त वोस्त के साथ, और क्या। और सुनो, ये मुझे ज्यादा परफेक्ट पेरेंटिंग के ताने मत दो, अंडरस्टैंड? मैं जो कुछ भी करती हूँ सही करती हूँ। सुनो, तुम्हें वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट याद है ना? तुमने वो अनाउंस करना है वेडिंग एनिवर्सरी पे। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा है कि अभी बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं यार, अभी। सुनो, ये लॉस वॉस की कहानी मुझे मत सुनाओ। तुमने अनाउंस करना है वेडिंग एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट। जी मिसेस खालिद। गया नाना, मैं इतनी मुश्किल से नीचे से दानियाल से बचकर ऊपर पढ़ने आई थी और अब ये मुसीबत। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम पढ़ती रहो अपना, तुम्हें से आने जाने से क्या मतलब? तुम अंदर चली जाओ कमरे में, बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे नानो, ये कितनी अय्याशी करता है ना, कितनी बड़ी और कितनी स्टाइलिश कार है उसके पास, और एक मेरे माँ बाप इतनी फटीचर कार रखी हुई, उसको भी टच नहीं करने देते। पर ये कितना नाशुक्रापन करता है। बस हो गई शुरू, खबरदार जो आज तुम लड़ी उससे। उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, सिर्फ मैं लड़ती रहती हूँ, वो तो सिर्फ अंगूठा चूसता रहता है बैठ के। क्या हो जाता है तुम्हें रश्मि आयान को देखते के साथ ही? अच्छी बली थी तुम अभी तक, ये लड़ाकेपन का दौरा क्यों पड़ जाता है तुम्हें उसके आते ही? बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपका लाडला जो आ गया, अब मैं बदतमीज, बुरी, गंदी सब हो जाऊंगी। आप उसी के साथ बात करें, मैं जा रही हूँ। तो रश्मिया, अरे हाय, हद है इस लड़की की भी। आयान, वो नाना तुम्हें ऊपर बुला रही है। मुझे? Thank you.
उस प्यार को ढूंढूं कहां मैं उस यार को। रश्मिया आवाज तो आहिस्ता करो। एक तो मम्मा मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हैं? तुम समझ नहीं आता इतने शोर में तुम पढ़ कैसे रही हो? मम्मा मैं मैथ्स ऐसे ही पढ़ती हूँ। अजीब मसाइल है तुम्हारे। हाँ अभी अगर आपका लाडला होता ना तो आप सबके वारी जा रही होती, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ तो आप डिस्टर्ब हो रही हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है। अभी तुम्हारे पापा होते ना यहाँ तो तुम यूँ पटर पटर जवाब ना दे रही होती मुझे। कि आप मुझे बार बार पापा के नाम से डराती क्यों? डराती नहीं बचाती हूँ, उनका गुस्सा तो मुझे झेलना पड़ता है तुम लोगों की खातिर। अच्छा बंद करो अब इसे और अपने कमरे में जाकर पढ़ो। अल्लाह मैं तो कहीं पे भी सुकून से नहीं बैठ सकती मामा, मैं बता रही हूँ मैं नानी के पास चली जाऊंगी ऊपर। बकवास बंद करो। अब मुझे उठने को ना कहिएगा। अच्छा जाओ शाबाश। हाँ अब काम पड़ा तो शाबाश। जाओ ना देखो कौन आया बाहर। आप कौन? मैं अयान हूँ, तुमने पहचाना नहीं? अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। हाय, वैसे तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे भूत समझ के डरने की। खैर खाना कहाँ है? वो जहाँ पे भी है आप ये बताएं आप आए क्यों हैं? मेरी शिकायत लगाने आए ना? हे लिसन, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हारी फजूल सी शिकायतें लगाता फिरूं, समझी? ये मॉम ने कार में पार्सल रखवाए थे तो नौरीन खाला को देना है। कहाँ है खाला? दिखाएं मुझे पार्सल, खाला ने भेजे। खाला खाला बात सुने। अरे अयान बेटा तो आओ ना अंदर आओ। नहीं नहीं खाला वो मुझे फ्रेंड से मिलने जाना है तो। थोड़ी देर तो बैठ जाओ चाय पीते जाओ। नहीं मामा मेरा टेस्ट है और मुझे चाय बनानी पड़ जाएगी, आपने बहुत डिस्टर्ब कर लिया। रश्मिया नहीं खाला आप प्लीज इसे पढ़ने जाए, मैं तो कहता हूँ एक बहुत बड़ा सा रजिस्टर लेकर दे, सिर्फ लिखती रही है और वैसे भी इसको लोगों की गाड़ियों के शीशे पे लिखने का बहुत शौक है। मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो अमरीन को सलाम दे देना मेरा और फिर दोबारा कभी मत आइएगा। वाओ कितना प्यारा ड्रेस है और इसका कलर कितना अच्छा है और ये देखें ये आपका है, कितना अच्छा लगेगा आप पे। मुझे तो अपना बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ ना कि खाला बहुत अच्छी है, देखा कितने प्यारे ड्रेस दिए हैं। और हाँ ये देखें कितना मना किया मैंने अमरीन को फिर भी। इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, आप खुश नहीं हुई क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इसके साथ मैं कौन सी जूती पहन? अरे मेरे पास इस कलर की जूती भी है मम्मा, मैं वो पहनूंगी और दुपट्टा नहीं चूड़ियां भी पहनूंगी इसके साथ पिंक कलर की, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी कितना अच्छा काम हुआ है इसका। वाओ कलर तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू खाला, थैंक यू। क्या बात, कोई बात करना चाह रही हैं आप? आपको पहले ही पता चल जाता है। अभी पुरानी शादी हो गई है हमारी, इतना तो इंसान समझने लगता है ना, चाहे कितना ही बेवकूफ हो। वो अमरीन ने मेरे और रश्मिया के लिए कुछ कपड़े भेजे हैं। अच्छा फिर
काफी महंगे हैं, आप क्या कहते हैं, वापस कर दूं ना? मर्जी है आपकी, जो मर्जी करें। आपको पता है मैं आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती। जरूरी नहीं, आप दोनों बहनों का मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी हाशिम आप बताएं ना। वैसे नौरीन, अगर आपको जरूरत थी तो आप मुझसे कह सकती थी, ये अमरीन से मांगने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, उसने खुद ही भेजे हैं मुझे बताए बगैर। बहरहाल जो मर्जी है आपकी, आप करें। मैं अपनी मर्जी कहाँ करती हूँ हाशिम। अच्छा, इस घर में तो बस मेरी मर्जी चलती है, राइट? मम्मा का ड्रेस देखती हूँ, जबरदस्त। ये भी कितना प्यारा है, मम्मा देखिए कितना प्यारा ड्रेस है। पैक करो इसे, वापस करने, तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं। पापा कुछ नहीं कहते, आप उन पे इल्जाम लगा रही हैं। और आप तो चाहती नहीं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। क्यों, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि आप चाहती नहीं कि मैं फैशन करूं, आप तो ये चाहती हैं कि मैं नौकरानी बन के घूमती रहूं। रश्मिया, कोई चीज इज्जत नफ्स भी होती है, तुम्हें अच्छा लगेगा मांगे हुए कपड़े पहनना। मम्मा ये मांगे हुए नहीं है, ये गिफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो हरगिज़ नहीं दूंगी। कोई गिफ्ट नहीं है, इधर दो मुझे। नहीं मम्मा, नहीं नहीं मामा, नहीं ना मामा, नहीं आप अपना वाला दे, मैं नहीं दूंगी अपना। मामा प्लीज, हो गई, मैं पापा को बता, मैं पापा को बता दूंगी। मामा प्लीज नहीं करें ना, मामा मुझे बहुत अच्छा लगे। नहीं मामा, नहीं मामा प्लीज मामा। तो क्या हो गया बेटा? मामा हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ पापा, इनको कहें कि मेरा ड्रेस वापस नहीं होगा। देखो तुम्हारी अम्मी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना। ठीक कहा है, मामा को कहें अपना सूट वापस करने कर दे, मगर मेरा ड्रेस वापस नहीं होगा। भाई ये तुम्हारा और तुम्हारी मामा का मसला है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अच्छा रख लो बेटी, रख लो तुम। ये थैंक यू पापा, देखा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और आप जालिम हैं। इधर ला, मुझे मेरा सूट दे, मैं अपना सूट पहनूं। ये हद करते हैं आप, अब बेटी के सामने क्या हुआ है आपको? मना कर देते ना कि आपको पसंद नहीं है। भाई आप औरतों के मामले में मुझे क्यों फंसा देती हैं? वो मैंने इसलिए हाँ कह दी कि वो समझती कि मैं अमरीन को नापसंद करता हूँ। आपसे कितनी दफा कहा है नौरीन कि माओ के मामले आप खुद ही तय कर लिया करें। ठीक है, हमेशा मुझे ही बुरा बनाया जाता है, और क्या कर सकती हूँ। ज़किया, एक ग्लास जूस लाना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अयान जी, ये तुम मुझसे इतना उकताए हुए क्यों रहते हो? ऐसी बात नहीं है, थका हुआ। ओके डोंट वरी, तुमसे किसने कहा है कि इतना पढ़ाई करो? आई नो तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, डोंट वरी। हाँ मैं पार्टी करके आ रहा हूँ, स्टडी करके नहीं। ओके हाँ, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ। मम्मी बता रही थी तुम उनकी तरफ गए थे, क्यों? नानो है मेरी, नहीं जा सकता, दिल चाह रहा था। ठीक है जो तुम्हारी खुशी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ड्रेस बनवा लिया? कौन सा ड्रेस? अरे घर में इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है और तुम कह रहे हो कौन सा ड्रेस? ओ मॉम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फंक्शंस में। अरे
तुम्हें अपने माँ बाप की खुशी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम? खुशी? ये तुम्हें औरतों वाली रूह कब से आ गई है? बिल्कुल मिसेस बिलाल लग रहे जिस तरह तुमने अभी ये बात कही है। ओह गॉड, डोंट टेल मी तुम कहीं अपने वो खालू हाशिम के साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजार रहे? मॉम प्लीज, ये सब बातें मैंने आप ही से सीखी है, मुझे नींद आ रही, मैं जा सकता हूँ? ओके, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू। गॉड, I don't know how to handle him. Thank you. Yeah. अरे एक मिनट तुम रुको, मैं तुम्हें खाला की पिक्चर्स दिखाती हूँ। बैठो बैठो, ये देखो मेरी खाला कितनी प्यारी लग रही है। वाह भाई, बड़े मजे हैं तुम्हारे तो। इतनी अच्छी खाला मेरी क्यों नहीं? बहुत प्यारा ड्रेस है। मेरी खाला तो बेस्ट है, लेकिन पता नहीं आयान किस पे चला गया, बहुत ही नकचड़ा किस्म का। एक बात पूछूं? सच बताना। अरे यार पूछो भी। तुम अपने कजन आयान को पसंद करती हो ना? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? खैर दिमाग जिसका खराब है वो तो मानता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मगर तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम उससे हर वक्त तो लड़ती रहती हो, कितना तंग करती हो उसे। मुझे उसे तंग करने में मजा आता है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस उसकी अट्रैक्शन हासिल करने का तरीका है। अरे बकवास मत करो ज्यादा, मैं उस गधे की अटेंशन पाके क्या करूंगी? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? खैर गया गुजरा तो वो भी नहीं है, काफी हैंडसम है। अपने घर में होगा हैंडसम, मेरे लिए वो उल्लू है। हाँ वाकई? बिल्कुल। और अभी बकवास मत करना, चलो। आप बैठिए, मैं अभी बेगम साहबा को जगाती हूँ। अभी तक सो रही है? अमरीन की तबीयत क्या खराब है? नहीं, वो रात को दावत से देर से आई है इस वजह से। आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। बेगम साहबा, बेगम साहबा। बेगम साहबा, आ रही हूँ। क्या हो गया? मना भी किया है मुझे इस टाइम पे, डिस्टर्ब मत किया करो। बेगम साहबा 2 बज रहे हैं। बकवास मत करो, ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है जब मैं आराम कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सॉरी बेगम साहबा, वो नौरीन बाज आई है अपने बच्चों के साथ। नौरीन? अभी कभी टाइम नहीं देखती, भला दोपहर 2 बजे कौन आता है किसी से मिलने? ठीक है तुम जाओ, इसको ड्राइंग रूम में बिठाओ और जूस वूस पिला दो। जूस रहने दो, वो कहाँ जूस पीती है, चाय वाय पिलाओ, बिठाओ। अच्छा आती हूँ मैं। जी बैठो। रानी आराम से बैठो। दानी मत छेड़ो, बैठ जाओ आराम से। वाओ मामा, ये कितना प्यारा है ना। रश्मिया, दानी, एक तो तुम लोग यहाँ आके ऐसे बावले हो जाते हो जैसे दुनिया में कुछ देखा ही ना हो। आराम से बैठो। दानी मत छेड़ो, बैठ जाओ आराम से, टूट जाएगा। रश्मि डार्लिंग भी आई है। नौरीन डार्लिंग,
कैसी हो? ठीक हूँ। हेलो रश्मिया डार्लिंग, कैसी हो? सो गुड टू सी यू। क्या खटपट हो रही थी माँ बेटी में? हुँ? कुछ नहीं, तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को, कुछ समझाए तो बहस करना शुरू हो जाते। तुम इतना समझाओगी ना तो और रिएक्ट करेंगे, इसलिए इतना ज्यादा नहीं समझाना चाहिए, ओके? वैसे भी आई फील दैट रश्मिया इज मच स्मार्टर देन यू एंड हाशिम बोथ। चल तुम इसे और बिगाड़ दो, वैसे ही आजकल पकड़ाई नहीं दे रही है। बस तुमने कह दिया इसने सुन ली, वरना मेरी बात तो इसने सुननी नहीं होती। और मामा आप भी तो सुनाती रहती हैं, मैंने आपको कितना बोला था कि हम शाम को जाएंगे, कर दिया ना आपने डिस्टर्ब खाला को। अरे नहीं डार्लिंग, अच्छा किया तुम आ गई, मैं वैसे ही आज बहुत थकी हुई थी और कहीं जाना भी नहीं था। क्यों, आज तुमने कहीं जाना नहीं? नहीं भाई, पिछले एक हफ्ते से मैं रोजाना किसी ना किसी डिनर या पार्टी में जा रही थी, बिल्कुल ड्रेन हो गई थी। एंड देन आई थॉट कि अभी एनिवर्सरी करीब है, बिल्कुल ही थक जाऊंगी, सो मैंने सोचा आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक। अरे मैं बताना भूल गई, आपने जो मुझे ड्रेस दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच काला। रियली यू लाइक इट? आई एम सो हैप्पी। ये तो इतनी बावली हुई जा रही हूँ उसे पहनने के लिए, इसका बस चले ना तो पूरी दुनिया को दिखा दे सेल्फीज खींच खींच कर। हाय डार्लिंग, मैं एक और बनवा दूंगी। नहीं मम्मा को छोड़े, वो तो ऐसी बोलती रहती है, आई जस्ट वांट टू हग यू टाइट। थैंक यू। ये क्या, अरे क्या पसंद नहीं आया? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। फिर ओ फिटिंग का प्रॉब्लम है, मैं अभी डिजाइनर को फोन करती हूँ, एक दिन में फिक्स कर देगी। नहीं अमरीन ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? ओ ओके, हाशिम ने तुम्हें मना किया है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या हाशिम को जानती नहीं हूँ, खुद तो है दफ्यान उसी जमाने भर का, पिछली सदी में रहते और साथ में तुम्हें भी पिछली सदी में रखा हुआ है। हालांकि अब तो उसके पास इतना पैसा है कि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है। इसमें अफोर्ड करने वाली कौन सी बात है अमरीन, बस इंसान के कुछ अपने असूल होते हैं। अरे रहने दो ये उसूल वसूल, बहुत ही उसूल पसंद बनता है और तुम पर थोपता रहता है अपने सारे उसूल, जरा अपनी ख्वाहिश और मर्जी हो ना तो सब उसूल भूल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है अमरीन, अगर ऐसा कुछ होता तो वो रश्मिया को भी मना कर देते, मैं अपनी मर्जी से वापस कर रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, मैं ये नहीं पहन सकती। अरे जकिया ने तुम्हें चाय नहीं ला कर दी? जकिया, जकिया। जी बेगम साहबा। चाय कब आएगी? जी बस अभी लाई। कब अभी आएगी? बस ला रही। हेलो अयान बेबी, हाउ वाज द पार्टी? बस ठीक थी पार्टी, कैसी हाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सी यू। आजकल के बच्चे भी ना ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पेरेंट्स घर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सुनाओ आजकल क्या रूटीन है तुम्हारा? कुछ नहीं, बच्चों को स्कूल से लिया फिर सो। क्या देख रही हो? वो आप तो मुझ पे ऐसे शक करती है मामा कि जैसे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं खाला की पिक्चर्स देख रही हूँ फेसबुक पे, ये देखें कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने, और मेकअप देखें बहुत अच्छा लग रहा है, आई शैडो, लिपस्टिक, ओह मामा ये तो आपकी बहन लगती नहीं है। बहुत इम्प्रेस हो तुम अपनी खाला से। हाँ तो क्यों ना, ये है ही ऐसी। हाँ, वैसे एक बात है मम्मा, आप जेलस तो नहीं होती उनसे? क्यों,
मैं क्यों जालिस होंगी? मेरे पास क्या नहीं है जिस पर मैं हसद करूं? अम्मा वैसे आप ऐसा बनती हैं या फिर वाकई में ऐसी हैं? क्या मतलब ऐसा बनती हूँ? मतलब क्या बहुत सादा है, बोरिंग की हद तक सादा? मतलब आपने खाला से कभी कुछ नहीं सीखा? मुझे तुम्हारी जहर जैसी बातें भी बुरी नहीं लग रही, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, लोग हमेशा अमरीन से इम्प्रेस होते आए और उसे इम्प्रेस करना आता भी है, लोगों की अटेंशन का मरकज बने रहना भी, और मुझे फजूल में अटेंशन अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए मेरे खास लोगों का प्यार ही काफी रहा है। मतलब मेरी अम्मी, तुम्हारे पापा, तुम, दानी, मेरे लिए उन्हीं की खुशी, उन्हीं की अटेंशन काफी है। लेकिन मामा, एटलीस्ट पापा को तो आप इंप्रेस कर ही सकती है ना? उन्हें जैसे पसंद है ना, मैं वैसी ही रहती हूँ। आर यू श्योर कि पापा को आप ऐसी पसंद है? क्यों? क्योंकि मुझे तो खाला ज्यादा अच्छी लगती। अगर मैं लड़का होती ना तो खाला मेरा क्रश होती। देखिए तो वाओ। हर साल अम्बरीन ये ड्रामा करने बैठ जाती है। अरे जरा ख्याल नहीं है उसे कि शादी की सालगिरह से सिर्फ 5 दिन पहले उसके बाप की बरसी। थोड़ा सा ख्याल अगर वो कर ले तो उनके ही सैले सवाब के लिए भी कुछ करे। मैं तो कहती हूँ बेटा, पता नहीं उसको याद भी रहता है या नहीं। सही कह रही हैं मम्मी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? अरे मिट्टू हो गए बहुत शरीर, उस रोज ऐसे इत्तेफाक से मेरा हाथ पड़ गया तो काट लिया उसने। मामूली जख्म है, ठीक हो जाएगा। मामूली सा? अच्छा खासा है मम्मी, आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि आप नीचे चलकर मेरे साथ रहें, लेकिन आपको तो शौक है अकेले रहने का। अरे अकेली कहाँ हूँ बेटा, इतने बहुत सारे परिंदे हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अबे मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? तो आप इन्हें भी नीचे ले चले ना, ऊपर वाला पोर्शन हम किराए पे दे देते, फजूल में रखा हुआ है मम्मी। ये जो परिंदे होते हैं ना, इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ ना, दिल नहीं लगता इनका। परिंदों का या आपका? जो भी समझ लो। हाँ मम्मी, आप तो मेरे पास रहने से ऐसे कतराती हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। अगर आपने बुरे वक्तों में ये पोषण हमें ना दिया होता तो हम क्या करते मम्मी? ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है बेटा, मैं इतने बड़े डुप्लेक्स का आखिर क्या करती? जाना जो तुम्हारे काम आ रहा है, और वैसे भी मेरी जान, ये सब कुछ तुम दोनों बहनों का ही तो है। हेलो यास्मी, तुम कब आई? अच्छा रो क्यों रही हो? ठीक है, कौन से होटल में? ठीक है मैं आ रही हूँ बस। क्या हुआ बेटा? मम्मी वो यास्मीन है ना जो दुबई में रहती है, वो आई हुई है। अच्छा। उसकी बेचारी के आजकल अपने हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत रो रही थी, बुला रही है मुझे, जरा मिलकर आऊँ? बेटा जरूर मिलकर आओ जाके, लेकिन जाने से पहले हाशिम से इजाजत ले लेना। ठीक है मैम। जी जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मालूम करना है मिसेस यास्मीन लोधी यहाँ ठहरी हुई हैं, आप बताएंगे प्लीज़ क्या रूम नंबर है उनका? दुबई से आई हैं वो। चेक कर लेता हूँ, आप उनका नाम बताएंगे मैम? जी नौरीन।
एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।